वेलकम टू स्वादिष्ट किचन विद रिंकी। आज हम बनाएंगे नमकीन गुजिया के लिए स्टफिंग। मैं यहाँ पे खोया का स्टफिंग बनाऊंगी। सबसे पहले गरम पैन में 150 ग्राम खोया डालेंगे। इस खोए को मैंने घर में बनाया है और इसकी रेसिपी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब मीडियम फ्लेम पर खोया को मेल्ट होने देंगे। इस तरह से लगातार इसे चलाते रहेंगे। खोया जब हल्का सा मेल्ट हो जाए इस तरह से, तब इसमें हम डालेंगे पाउडर शुगर। आप चाहे तो नॉर्मल चीनी भी डाल सकते हैं। मैंने चीनी को मिक्सी में पीस लिया है। मीठा आप अपने हिसाब से डाल लीजिए। अब इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। मैंने यहाँ पे काजू, आलमंड और पिस्ता डाला है। अब इसमें 1 टीस्पून इलायची पाउडर डालेंगे। ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद से डाल सकते हैं। अब सारे चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और खोया को मीडियम टू लो फ्लेम पे इस तरह से चलाते हुए ड्राई बनाएंगे। 4 से 5 मिनट तक चलाने के बाद खोया इस तरह से बन जाएगा। अब गुजिया के लिए मैंने मैदे का बॉल बना लिया है। खोया ठंडा होने के बाद थोड़ा सा पानी लेंगे, चकले के ऊपर बॉल को रखेंगे और राउंड शेप में छोटा सा एक पूरी की साइज़ में बेल लेंगे। अब इसे हाथ में लेंगे और इसके अंदर खोया का स्टफिंग डालेंगे। स्टफिंग डालने के बाद अब हाथ में थोड़ा सा पानी लगाएंगे और इस तरह से साइड में लगा देंगे और इस तरह से मुंह को जोड़ देंगे। अच्छी तरह से इसे जोड़िएगा वरना ये फ्राई करते वक्त फट जाएगा। और इस तरह से मैंने मुंह को जोड़ दिया है। देखिए अब साइड से इस तरह से थोड़ा सा राउंड करते हुए गुजिया को बना लेंगे। और ये देखिए इस तरह से मैंने गुजिया को बना लिया है। अब इसे हम फ्राई करेंगे। इसी तरह से आप घर में इजीली गुजिया को बना सकते हैं।